यूपी बोर्ड का अंग्रेजी का पेपर लीक, बलिया और गाजियाबाद समेत 24 जिलों में परीक्षा रद्द, बाकी 51 जनपदों में समय से होगा एग्जाम। उत्तर प्रदेश बोर्ड के इंटरमीडिएट का पेपर लीक होने के बाद 24 जिलों में परीक्षा रद्द कर दी गई है। पेपर लीक मामले की जांच एसटीएफ करेगी, दोषियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्यवाही की जाएगी। यूपी बोर्ड की 12वीं का अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया है। इसके बाद 24 जिलों में परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया है। यह परीक्षा आज दोपहर 2 बजे आयोजित होने वाली थी। परीक्षा रद्द होने के बाद अगली तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है। इसके बारे में बोर्ड जल्द ही सूचना जारी कर सकता है। इस संबंध में शिक्षा निदेशक एवं सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद के विनय कुमार पांडे ने आदेश जारी कर परीक्षा के निरस्त होने की जानकारी दी। आदेश में यह भी साफ बताया गया है कि इन 24 जनपदों को छोड़कर बाकी जगह पर परीक्षा यथावत आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने जो निर्देश जारी किए हैं उसमें पेपर के जनपद बलिया से लीक होने की आशंका व्यक्त की गई है। जो पेपर लीक हुआ है उसकी पहचान 316 ईडी और 316 ईआई के सीरीज के रूप में की गई है। जिन जिलों में परीक्षा रद्द की गई है उनमें बलिया, एटा, बागपत, बदायूं, सीतापुर, कानपुर देहात, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, गोंडा, आजमगढ़, आगरा, वाराणसी, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, शामली, शाहजहांपुर, उन्नाव, जालौन, महोबा, अंबेडकर नगर और गोरखपुर शामिल हैं। शेष अन्य 51 जिलों में परीक्षा निर्धारित समय पर आयोजित होगी। बलिया में पेपर आउट होने के बाद बदायूं में परीक्षा निरस्त, बदायूं में परीक्षा रद्द कर दी गई है। परीक्षा रद्द होने का निर्देश दोपहर 1:30 बजे उस वक्त आया जब निरीक्षक कक्षा में पहुंच चुके थे और परीक्षार्थी गेट पर आ गए थे। अब परीक्षा की तिथि दोबारा घोषित की जाएगी। पेपर लीक होने के बाद अंग्रेजी विषय की परीक्षा निरस्त हो गई है। अलीगढ़ में प्रश्न पत्र लीक होने पर परीक्षार्थियों ने कहा कि उन्हें परीक्षा केंद्र पर आकर परीक्षा निरस्त होने की जानकारी मिली। डीआईओएस डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि परीक्षा की तिथि बोर्ड से जल्द ही घोषित की जाएगी। मुंह मांगी कीमत पर विद्यार्थियों को बेचा गया प्रश्न पत्र। यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल माफियाओं का खेल जारी है। दावों के बाद भी जिला प्रशासन नकल माफियाओं पर शिकंजा नहीं कस पा रहा। अभी 2 दिन पहले परीक्षा होने से पहले ही सोशल मीडिया पर हाई स्कूल संस्कृत का प्रश्न पत्र साथ ही हल की हुई कॉपी भी वायरल हो गई थी। इसके साथ ही इसे मुंह मांगी कीमत पर विद्यार्थियों को बेचा भी गया था। कई लोगों को हिरासत में लेकर हो रही है पूछताछ। वहीं नकल माफियाओं की तलाश में टीमें जोर शोर से जुटी हैं। हालांकि पुलिस को खास सफलता नहीं मिली है, लेकिन कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इधर बलिया जिला प्रशासन ने हाई स्कूल संस्कृत का पेपर आउट होने से इनकार कर दिया है। इंडियन टीवी न्यूज़, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज़ नेटवर्क।